बारे में, किस तरह का गाना है? भोलेनाथ की वंदना है, उनके आवाहन में उनकी पूजा हम कर रहे हैं गाने में, उनकी उनका गुणगान कर रहे हैं, महादेव का गुणगान करने का मौका मिल रहा है, सौभाग्य मिल रहा है, इससे बड़ी बात क्या बता सकता हूँ मैं। और कांवर जो उत्सव आ रहा है, महोत्सव जो होता है हमारे भारत का, इतना पावन पावन स्थल पर्व है, पावन उत्सव है, और नॉर्थ इंडिया में तो अलग ही धूम होती है, और मैं खुद पंजाबी हूँ तो वहाँ का नॉर्थ इंडिया, हिमाचल, उत्तरांचल, जम्मू कश्मीर, यूपी में जितनी एक धूम होती है, एक अलग ही समा होता है, माहौल होता है, और महादेव की कृपा में, महादेव के जो आशीर्वाद से सब अपनी मस्ती में महादेव का गुणगान करते हैं, उनका उनके भजन गाते हैं, उनकी वंदना करते हैं और मस्त मलंग रहते हैं महादेव की। मेरा नाम द्रोण है, संगीतकार नहीं हूँ इस गाने का, और अमन भाई जो कि बहुत अच्छा गाते हैं, उम्दा गाते हैं, तो मुझे लगा कि इस गाने को मतलब इंसाफ अमन भाई दे पाएंगे, तो प्रोड्यूसर साहब ने जब मुझे कहा तो मैंने सजेक्शन इनको इनके लिए किया, और ये कावड़ में बहुत चलेगा क्योंकि ये इसमें मंत्र भी है और तांडव भी है और पूरा वेरिएशन, मतलब तीन गानों का वेरिएशन एक में मिलेगा। ज्योतिर्लिंग मैंने जितना सुना है, ज्योतिर्लिंगों का व्याख्यान है पूरा उसमें, नाम है 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे हिंदुस्तान भारत में, शिव जी सबका उसमें गुणगान का उल्लेख है, गुणगान बहुत अच्छा है, और बहुत जब मुझे स्क्रैच भी सुनाया गया था तो सुन के ही मुझे बहुत ऐसे रोंगटे खड़े हो गए थे कि यार बहुत, और भोलेनाथ का गाना ही, भोलेनाथ की मैं शिव तांडव गा चुका हूँ, एक धर्म संकट में एक फिल्म थी परेश रावल नसीरुद्दीन शाह साहब की, तो बहुत वो भी शिव तांडव जो है स्त्रोत, हालांकि 12 ही स्त्रोत उसमें इस्तेमाल हुए थे, पूरा शिव तांडव स्त्रोत नहीं हुआ था, बट उतना ही इतना प्रभावशाली और इतना आपकी रूह तक झकझोड़ के आपको रख देता है, तो आप समझ सकते हैं जब इसके भी तीन अंतरे हैं, लिरिक्स हैं मेरे हाथ में और मैं अभी गाने वाला हूँ, रिकॉर्ड करने वाला हूँ, तो भोलेनाथ का नाम लेके बस उनकी श्लोक तांडव और म्यूजिकली जो लिरिक्स है पूरा मतलब एकदम अच्छा है, संगम है आप लोगों को बहुत अच्छा आएगा, जो लिखा विष्ट साहब ने बहुत अच्छा लिखा है, हाँ जी विष्ट साहब ने लिखा, धर्म साहब ने बहुत अच्छा लिखा है इसको, और अच्छा लगेगा, पूरा एक कॉम्बिनेशन है, मतलब तीन गानों का एक ही गाना है। अमन जी एक लाइन गा के थोड़ा साथ में आप भी गाएंगे तो संगीत का, डम डम डमक डमक डम 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 डमक डमक डम डम बम बम बमक बमक बम 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 बमक बमक बम बोल जी, अभी आए हैं तो अभी प्रैक्टिस करना बाकी है। नागेश्वर आए, सोमेश्वर आए, मल्लिकार्जुन आए, तो ये सब है पूरा मंत्र है, अहिर भैरव और भैरव का घाट का मिश्रण है, अहिर घाटी और भैरव, नट भैरव भैरव, तो दोनों मिला के कॉम्बिनेशन है दोनों का, महादेव भैरव ही बनाया हुआ राग है जी जी, तो खुद महादेव जो महाकाल और हमारे जो परम पूज्य और परम प्रिय शिव जी हैं, उन्हीं का जो बनाया गया रचाया गया ये राग है, और हम कोशिश करेंगे बस थोड़ी छोटी सी। वीडियो की क्या प्लानिंग है, कब तक वीडियो के बारे में आपको आप बताएंगे अजय, यही बहुत जल्दी करेंगे, हमारे कोरियोग्राफर है आनंद बापूनी, ये भी बहुत बड़े भक्त हैं हम सब भोले के भक्त हैं, और इन्होंने मेरा बहुत अच्छा एक गाना किया था, डायरेक्ट किया था, लव इज इन द एयर, रोमांटिक गाना था, तो एंडी भाई को देख के और स्फूर्ति जा गई है और जोश आ गया, अच्छा करेंगे पूरा प्रोडक्शन बहुत अच्छा। फिर ये निर्देश त्यागी जी है, तो सर इनका भोले पे बहुत विश्वास है, आप इनकी गाड़ी में देखोगे तीन चार भोले बाबा मिलेंगे आपको, शुरुआत इसी से कर रहे हैं जी। त्यागी जी क्या कहेंगे आप, कैसे इसकी प्लानिंग की? त्यागी जी आप, तरुण भाई ने इतना अच्छा लिखा है इस गाने को, इतना जोश उन्होंने लिखने में भर दिया है, और आज के दिन में तरुण भाई ने इतना अच्छा म्यूजिक दिया है, तो कोई दमदार आवाज चाहिए थी, तो फिर सबने एक सजेशन दिया कि भाई का नाम दिया कि अमन भाई गाएंगे से, अमन भाई का वैसे ही अच्छा फैन हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ मैं, तो मगर यार इसमें अगर अमन भाई की आवाज़ मिल जाएगी तो कहते हैं भोले बाबा पूरा आशीर्वाद मिल जाएगा हमें, और जब ये गाना मार्केट में आएगा तो आप देखेंगे कि वाकई में इसमें हर गाने में पूरे गाने के अंदर इंसान जो सुनता है ना तो खो जाता है इसमें, आज तक ऐसा गाना आया ही नहीं मार्केट में, तो ये कहते हैं या तो स्पेशल आशीर्वाद मान लीजिए भोले बाबा का हम सब पे कि ऐसा मौका हमें मिला है, तो उनके आशीर्वाद से गाना हम मार्केट में ला पा रहे हैं और एक अच्छा चीज़ लेके आ रहे हैं, तो कोशिश ये कि उनके आशीर्वाद से जो कुछ अच्छा बन रहा है तो बनेगा। आप किस तरह से जुड़े हुए हैं सर? ये हमारा हाल है सर, सर इनके आशीर्वाद से सारा काम हो रहा है, अजय सर हैं ये नोएडा के जिले साहब हैं,
चीजें हैं, तो इनका आशीर्वाद हो रही है चीजें। आज जो गाना करने की हमें प्रेरणा मिली या चीजें करनी है, आज इस प्रोडक्शन को जो हम आगे बढ़ा रहे हैं, सब इन्हीं के आशीर्वाद से बढ़ा रहे हैं हम आगे, और आगे जो भी काम होंगे सब इन्हीं के आशीर्वाद से होंगे और भोले बाबा के आशीर्वाद से होंगे। कब तक सुन पाएंगे और कब रिलीज करेंगे, कहाँ रिलीज करेंगे? ये नेक्स्ट मंथ में सावन में शुरू हो जाएगा इसका प्रमोशन। सावन यात्रा से पहले करोड़ों करोड़ों मार्केट में आ जाएगा, रहते हैं उससे पहले सुना दिखाई देगा। देखिए अभी इसका प्लान शूट होने के बाद फिर करते हैं, कहाँ करते हैं। मैं खुद 8 से 9 ज्योतिर्लिंग पूरे कर चुका हूँ, दर्शन कर चुका हूँ, आगे भी सौभाग्य मिलेगा मुझे बाकी ज्योतिर्लिंग करने का। तो कोशिश में हमारी ये है कि हम एक अच्छी लोकेशन पे इसका शूट करें, वीडियो बनाएं इसका, और अगर ज्योतिर्लिंग ऊपर वाले ने चाह भोले बाबा ने चाहा तो ज्योतिर्लिंग पे इसका एक हम इनोग्रेशन करके से लॉन्च करेंगे, और इस कावड़ के टाइम पे आपको दिखाई देगा, हर घर घर में बजता हुआ गाना।